हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदन चोपड़ा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ कचरी की सब्ज़ी। ये कई तरह से बनती है, लेकिन मैं आज यहाँ सूखी कचरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने सभी कचरियों को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब मैं इनको कट कर लूँगी और कड़वी कचरियों को इनमें से बाहर निकाल दूँगी। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। कचरी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर राइस ब्रैन ऑयल लिया है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं होती है सरसों के तेल की तरह। तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है। मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डायरेक्ट कचरी ऐड कर रही हूँ, और कुछ मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कचरी की सब्ज़ी बनाएंगे। हमारी जो कचरियाँ हैं बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनका कवर बहुत ही पतला है। कई कचरियों की किस्म ऐसी होती है जिनका कवर बहुत मोटा होता है, वो इस तरह से पकने लिए मैंने अब इसमें 1 टीस्पून डाला है नमक, और इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी और कुछ समय के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढककर रख दूँगी बिल्कुल मीडियम आँच पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम इसको देखते हैं। ये लगभग देखो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, और मैं इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ सौंफ। मुझे सौंफ ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल अचार की तरह खुशबू देती है। अब हम इसको खुला ही रखेंगे, ढकेंगे नहीं। इसको अच्छे से चला करके उस समय के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन। लहसुन बिल्कुल पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। इसको बाद में लहसुन ऐड करने से क्या है कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको इसी तरह से कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मेरी सब्ज़ी लगभग बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गल चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आने लगी है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये जितने दिखने में अच्छी लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें और मेरी रेसिपी के अनुसार सब्ज़ी बनाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।